नमस्कार प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, जितने भी मेरे श्रोता हैं सबको पैर छूकर प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके बिना मेरी कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई जीवन नहीं। हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके प्यार से बड़ा हूँ, प्यार से बड़ा ही रहूँ। आज ये युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी आज ही के दिन संबोधित किए थे और आज युवा दिवस है। और मैं भी जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के दिल पर राज करते हैं, आज भी मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने युवाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए कुछ ऐसा ही करूं, ताकि मैं जिस तरह आप लोगों ने प्यार देकर मुझे बड़ा किया है, उसी तरह मैं आजीवन ऐसे ही बड़ा होते रहूँ, जब तक जीऊँ आप सबकी मोहब्बत से जीऊँ। एक मेरी सिनेमा बनी, और मैं, हाँ एक और बात कि मैं स्वामी विवेकानंद की तरह जीरो से हीरो बना हूँ। उन्होंने जीरो पे 7 दिन तक बोलते रह गए और पूरी दुनिया देखती रही उनको। मैं भी जीरो से ही हीरो बना और आप सबके बदौलत बना। मैं किसी को नीचा गिराना नहीं चाहता। इंडस्ट्री में आज तक एक सख्त कोई भी इंसान मुझे प्रमोट नहीं किया। मेरे कभी गाने आते हैं, हिंदी के हों या भोजपुरी के हों, कभी किसी स्टार ने मेरे बारे में बोला नहीं कि खेसारी भैया का गाना या खेसारी बाबू का गाना या खेसारी जी का गाना या खेसरिया का गाना इस दिन को रिलीज होगा, आप सब ज़रूर देखिएगा। बाकी किसी का भी होता है तो सारे स्टार सारे लोग प्रमोट करते हैं, बट मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ज़रूरत जिसकी है वो मेरे साथ है, वो है मेरी जनता। मुझे कागज़ के फूलों से खुशबू लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बनावटी लोग हैं। कि मैं जब से आया हूँ किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, किसी स्टार ने, हाँ दिनेश भैया ने मुझे प्यार दिया था, मनोज भैया के घर पे भी रहा भी हूँ, उनका योगदान है मेरे लिए, क्योंकि उनके घर पे मैं रहा हूँ, खाया हूँ, तो मैं किसी को भूल नहीं सकता। दिनेश भैया ने पहली फिल्म मेरी जब रिलीज हुई थी तो दिनेश भैया ने मुझे सपोर्ट किया था, अपने पाल से पैसा देकर आलोक भैया को, अभय भैया का योगदान से, निशांत उज्ज्वल के योगदान से वो मेरा सिनेमा रिलीज हुआ, साजन चले ससुराल, तो उसमें दिनेश भैया का बहुत बड़ा योगदान था। अदरवाइज किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। अभी आने वाले लोग जो हैं वो भी नो। तो किसी का गाना रिलीज होता है या सिनेमा रिलीज होता है तो सारे भीड़ जाते हैं कि नहीं उसको चलाना है, तो जाकू राखे साया मार सके ना कोई। मुझे इन कागज़ के फूलों की ज़रूरत ही नहीं है। ये बड़ा, मैं आज 4 दिन से इतना डिस्टर्ब हूँ, 3 दिन से, कि शायद उसका अंदाज़ा किसी को नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि क्यों यार, बोलते तो सब हैं। मैं सुबह सुबह ही अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगा सबसे, उसके बावजूद भी मस्ती मजाक हंसी। आप गाना भी गाते हो तो मेरे जिला को बदनाम करने पे लगे हुए हो सबके सब। हाँ, कोई गा देता है कि छपरा साई लवंडा, छपरा के लवंडा के बारे में जानते हैं भिखारी ठाकुर, कोई जानता है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तकलीफ होती है। छपरा के लवंडा, छपरा सारण जो है वो 3 जिला को, 2 जिला उसके कब्जे में रहता है, तो 2 जिला का प्यार उसको मिलता है। मैं, हर जिला मेरे लिए सक्रिय है, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, गोपाल हो, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर से लेकर आरा, बक्सर, बलिया, सासाराम, डिहरी, रोहतास से लेकर, मुझे लगता है कि यूपी से, लखनऊ से लेकर, बनारस से लेकर, औरंगाबाद से लेकर, दुनिया की, हमारे भोजपुरी समाज को जो लोग प्यार करते हैं, सारे जिला मेरे अपने माँ है, अपनी बाप हैं, अपनी बहनें हैं हमारी। छपरा सिवान गोपालगंज की छबीली लोग रहती हैं, वहाँ भी ब्राह्मण कुल के लोग रहते हैं। मैं विवाद नहीं कर रहा हूँ, पर तकलीफ होता है, ये तकलीफ है। आप किसी को नीचा गिराना चाहते हो। छपरा में सिर्फ एक खेसारी लाली पैदा हुआ है, छपरा सिवान गोपालगंज का एक खेसारी लाली है, वहाँ और इंसान नहीं रहते रहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा, उसका रीज़न जानते हैं क्या है? देखिए, क्योंकि मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन पर बड़ा खूबसूरत रुकता हूँ मैं भी, और आज तक मैंने ज़मीन नहीं छोड़ी, इसीलिए मैं कभी फ्लैट में नहीं रहा। ज़मीन का इंसान हूँ, ज़मीन पर रहता हूँ, और ज़मीन के लोगों से मोहब्बत होती है मुझे, इसीलिए आज युवा दिवस है।
इसीलिए मैं लाइव आया कि युवाओं के बदौलत ही आज मैं लिट्टी चोखा बेच कर एक गरीब का बेटा आज यहाँ तक पहुँचा है। तो अपने युवाओं के दम पे, अपने माँ बाप के आशीर्वाद और अपने बहनों के प्यार से पहुँचा है यहाँ पे। और ये सारी पूरी इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि खेसारी को लगता है कि कहाँ से उखाड़ के फेंक दें। मुझे पता है कि आपके उखड़ने से तो मेरा बाल तक नहीं उखड़ सकता, क्योंकि आपने अपने लिए तो कुछ उखाड़ा नहीं आज तक। आप इतने दिन से सबके सब मेहनत कर रहे हो खेसारी को उखाड़ने के लिए, उतना मेहनत अगर खुद पे किए होते तो शायद कुछ बन गए होते आप लोग। तो मैं कुछ लोगों की ही बातें कर रहा हूँ, मैं पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे संविधान मत सिखाइए आप, संविधान में क्या होता है आप खुद के लिए संविधान बनाइए। हमारे लिए हमारा संविधान जो है वो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, और हमारे अपनों में पूरी भोजपुरी समाज आती है। हमारे सिर्फ माँ बाप ही नहीं, हमारे बच्चे ही नहीं, हमारी बीवी ही नहीं, पूरी समाज आती है जो भोजपुरी को समझती है। ये विवाद शुरू होने का कारण एक ही है, एक बहुत अच्छा सिनेमा मेरे हम लोग बना लिए हैं शायद। उस सिनेमा को मुझे नीचा दिखाकर उस सिनेमा को टारगेट कर किया जा रहा है ताकि वो सिनेमा ना चले। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, अभय भैया से बड़ी प्यार आ गई है आजकल लोगों को। वो प्यार दिखा कर क्या कुछ मिल जाने वाला है? नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि आपके मेहनत और आपका विचारधारा ही आपको आगे बढ़ाएगा। चमचाई करने से इंसान बड़ा नहीं होता, ऐसा होता तो ये पूरी जनता को भगवान जिसको मानता हूँ तो मैं 10 चमचा ही पाल लेता है, या किसी का चमचा बन के अपने जीवन को चला लेता। खाना बनने के बाद ही चम्मच की काम आती है, चमचा का काम सिर्फ खाना बनने के बाद का है, ठीक है। तो दुल्हन वही जो पिया मन भावे, जिसके डायरेक्टर रजनीश मिश्रा हैं हमारे, जबकि जिन्होंने जो भी सिनेमा उन्होंने बनाया है अच्छा बनाया है, भोजपुरी को कुछ सीख दिया है उन्होंने, भोजपुरी में अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। अभय भैया उसके प्रोड्यूसर हैं, निशांत उज्जवल उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये सारे लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। सिर्फ इनको इसीलिए प्रॉब्लम है कि वो बहुत अच्छी सिनेमा बन गई है और वो 14 तारीख को रिलीज हो रही है, यानी कि परसों। अब आप लोगों को ये बताना है कि अच्छी सिनेमा को आप लोगों को चलाना है कि नहीं चलाना है, ये मेरी जनता डिसाइड करेगी। आप मुझे बर्बाद करने पे लगे हो आप कुछ लोग, आपको क्या लगता है कि आप मुझे बर्बाद कर डालोगे? जब मैं कुछ नहीं था ना तो भी मुझे जीने की आदत थी, जब हमारे पास 10 रुपये की औकात नहीं थी तभी मैं बड़ा सलीमता से जीता था, किसी को मैंने कभी तकलीफ नहीं दी, ये पूरी इंडस्ट्री जानती है। हो सकता है मेरे बातों से किसी को तकलीफ हुआ हो, उसके लिए आजीवन सॉरी मांगता हूँ मैं आप सबसे, जिसको भी तकलीफ हुई होगी। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैंने किसी को ठेस पहुँचाने की कोई कोशिश नहीं की, हाँ कुछ गलतियाँ हमसे हुई। और सारे लोग मेरे बड़े भाई की तरह हैं, चाहे वो दिनेश भैया हों, पवन भैया हों, या रवि भैया हों, या मनोज भैया हों, जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। इनसे हमेशा इनका आदर किया हो, मैं अपने सीनियर का हमेशा अपने बाप की तरह पूछता हूँ। उसका रीज़न जानते हैं क्या? क्योंकि उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो ये सब आप लोग को नहीं सीखना चाहिए खेसारी से। मेहनत कैसे हो तो है ना, एक बार पूछिएगा इंडस्ट्री बताएगी आप सबको जी मेहनत कैसे किया जाता है। उसका उदाहरण खेसारी लाल यादव होता है, लिट्टी बेचने वाला आदमी, ना ईश्वर ने शक्ल दिया, ना ईश्वर ने पर्सनालिटी दी, ना चेहरा दिया, ना अच्छी गायकी दी, गाता भी अच्छा नहीं हूँ मैं, आवाज़ बहुत ठीक नहीं है मेरी शायद, मुझे लगता है। लेकिन यही आवाज़ जनता के दिल पे राज करता है, क्योंकि जनता मुझे प्यार करती है। आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना अच्छा लगता हूँ मैं। आपके अच्छे लगने से मेरे जीवन नहीं चलती है, क्योंकि आप भी उस जनता को अच्छा लगते हो तभी आपको सपोर्ट करती है जनता। अच्छा काम पे फोकस करेंगे तो शायद हमें संविधान सिखाना बंद करें आप लोग, हमें संविधान में जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा संविधान और हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी जीवन, हमारी खुशी, हमारी दुख, जो भी है हमारी जनता है जिसके बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ।
उस सिनेमा को आप रोक नहीं सकते चलने से। और ये परसों मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जितने लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, जो नहीं करते हैं, मैं उनके लिए भी दुआएं करता हूँ कि ईश्वर उनको हमेशा उन्नति दे, सुख शांति दे, उनके जीवन में हर वो चीज़ें आए। जो मुझे गाली देते हैं वो भी मेरे प्यारे भाई हैं, उनको लगता होगा कि मैं गलत हूँ, तो उनको गाली देने से मैं कभी नहीं रोक सकता। उनको लगना चाहिए कि हाँ मेरा भाई गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज युवा दिवस के दिन मुझे लाइव आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैं आज कल रात अपने माँ को लेके आया बॉम्बे, कुछ काम, माँ का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो गांव पे ठंडा भी है, तो मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि दुनिया में बीवी दोबारा आ सकती है, माँ बाप दोबारा पैदा किया नहीं जा सकता। हमारी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो शायद हम अपने दूसरी शादी कर सकता हूँ, बेटा पैदा नहीं होगा, दूसरा बेटा पैदा हो सकता है, हम टाइम दे दें अपने फैमिली को, तो बट माँ को हम पैदा नहीं कर सकते, पिता को पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि माँ बाप का प्यार जीवन में, उससे बड़ा प्यार कुछ होता ही नहीं। तो कोशिश आप भी करिएगा कि माँ से बढ़कर और पिता से बढ़कर, बीबी के बातों में आकर कभी माँ को तकलीफ मत दीजिए, अपने पिता को कभी तकलीफ मत दीजिए। तो बस मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ आप सबसे कि 14 तारीख को हर जगह मेरी सिनेमा रिलीज हो रही है, और उस सिनेमा को रोकने की ये साजिश थी कि ताकि खेसारी को हम दुनिया की नज़र में गिरा दें, और इसका सिनेमा एक खूबसूरत सिनेमा, जो कि बहुत दिन बाद इतनी अच्छी एक सिनेमा बनी है, जो कि एक परिवार से टच है, एक एक ऐसे एक एक, एक चाटी के मार नहीं है भाई इसमें, एक थापड़ों ने की खेल है, उसके बावजूद भी लोगों ने इतना प्यार दिखाया है उस सिनेमा के प्रति। ये आप सबका बड़प्पन है कि हमारी सिनेमा फाइट से नहीं, बनावटी फाइट से नहीं, हमारी सिनेमा अच्छी कहानियों से चलती है, क्योंकि हमारे घर में इतनी अच्छी कहानी है। इसीलिए मैं आज अपने युवाओं के लिए आया, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए आया मैं लाइव, क्योंकि आज युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद के ही विचारधारा पे मैं चलता हूँ। मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, विवाद पे नहीं। किसी को नीचा दिखाने के लिए मजाक नहीं उड़ाता मैं उसका, जबकि मैंने अपनी गलतियों की क्षमा सुबह सुबह उठते ही जब मुझे रियलाइज, जब मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या बोला है, बोलना कुछ और बोला, कुछ और गया था, उसके लिए मैंने सॉरी बोला था, उसके बावजूद आप लोग हंस हंस के और मजाक उड़ा रहे हो, क्यों? उससे चार सिनेमा ज़्यादा मिल जाएगी आपको, बना तो लोगे, बेचने के लिए भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, बिकेगा कहाँ? हाँ, जिसको जनता का प्यार होता है ना, उसको हर आदमी का प्यार मिलता है। यहाँ तक रह गई अभय भैया का सवाल, निशांत उज्ज्वल का सवाल, तो ये मेरे अपने हैं, अपने थे, अपने रहेंगे, और इनके पास मैं काम की वजह से नहीं हूँ, उतनी मोहब्बत और उतना सलीमता और उतना प्यार इनको देता हूँ। अगर वो मुझे बेटा मानते हैं तो उनको मैं अपना बड़ा भाई और फादर ही मानता हूँ। संस्कार के मामले में मैं संस्कार को सबसे ऊपर रखता हूँ, उसके बाद ही पूरी दुनिया, और ये हमारा भोजपुरी संस्कार नहीं, संस्कार की ऐसी पुतला है कि हमने अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए पर्व त्यौहार बना दिया। हमारे माँ के लिए अलग त्यौहार है, पिता के लिए अलग त्यौहार है, बहन के लिए अलग है, बेटे के लिए अलग है, तो कहीं ना कहीं हमने त्यौहार में कन्वर्ट कर दिया अपने रिश्तों को, ताकि इसी पर्व के वजह से, इसी त्यौहार की वजह से कम हम उस रिश्ते को हमेशा याद रखेंगे। उस समाज का बेटा हूँ। आप लोग जमीन देख रहे हैं ना, ये नहीं कुछ लोगों को लगेगा जो खेसारी अपना बंगला दिखा रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये बंगला मेरा है ही नहीं, ये बंगला तो मेरे जनता का दिया हुआ उपहार है, आशीर्वाद है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आज भी ज़मीन पे ही हूँ, किसी फ्लैट में नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरी औकात पता है कि मेरी औकात क्या है। मैं कितना भी ऊँचा उड़ जाऊँ लेकिन लैंडिंग मुझे किसी एयरपोर्ट पर ही होना पड़ता है। तो बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि परसों मेरा एक सिनेमा रिलीज हो रहा है, जिस सिनेमा को ख़त्म करने के लिए, जिस सिनेमा के ऊपर साजिश किया जा रहा था, अगले दिन ही ठीक है वो गलती हुई, क्षमा भी मांगा हमने, सब कुछ किया, उसके बावजूद लोगों ने आहा मस्ती में ले लिए उसको, चमचाई का हद होता है यार,
आर्टिस्ट होना, कलाकार होना, कलाकार बनो ना यार, चमचा क्यों बन गए, क्या हो जाएगा? कोई प्रोड्यूसर किसी का जीवन नहीं बनाता है, आप खुद अपना जीवन बनाते हो। और हम कलाकार किसी प्रोड्यूसर का जीवन नहीं बनाते हैं, हम किसी प्रोड्यूसर का घर नहीं चलाते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम एक दूसरे के दिल में रहने वाले लोग हैं। चमचई से जीवन चलता है, हाँ? कलाकार बनो ना, सच्चे कलाकार, सरस्वती के पुत्र है, पुत्र बनो आप, सरस्वती के पुत्र कभी गलत नहीं करते, वो ज्ञान की पुजारी हैं। मैं किसी के बारे में सोच के भाई जी नहीं खराब कर रहा हूँ अपने समय, जयराम राय जी भैया प्रणाम भैया, मैं किसी के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये साजिश जितनी हुई है वो मुझे नीचा गिराने का साजिश नहीं था, ये जो भी है ये नीचा गिराने की साजिश नहीं थी मेरी, मुझे नीचा गिरा, मुझे कोई क्या नीचा गिराएगा, जिस मैं अपने एक, मैं आज भी बच्चा हूँ, कल भी बच्चा था, और मैं अपने जनता के गोद में बैठता हूँ, सबके सबका बेटा हूँ, मैं लाडला हूँ, इनके गोद में बैठता हूँ, मैं किसी के नीचा गिराने से मेरी अस्तित्व नहीं बर्बाद हो सकती, क्योंकि मुझे नीचा क्या गिरा होगा, कि भाई तो देखो ना जमीन पे ही हूँ, जमीन का आदमी गिरता है क्या? और दिखा दो, देखो भाई ये जमीन ही देखो, ये देखो, तो जो आदमी खुद ही जमीन पे हो उसको आप नीचा क्या गिराओगे? मैं सब जो जिनको बड़ा मजा आ रहा है ना, मैं उनके लिए ही बोल रहा हूँ ये, तो बस खुद पे फोकस कर लो यार, अच्छी बात है, खुद पे मेहनत करोगे तो शायद मेरे आसपास खड़ा हो जाओगे। मेरे लकीर को मिटाने वाले सारे मिट गए और मिट भी रहे हैं, धीरे धीरे मिट भी जाएंगे, क्योंकि मैं भगवान नहीं, मैं पुजारी हूँ, श्रद्धा का फूल अपने जनता के चरणों में चढ़ाता हूँ, अपने लोगों में, चाहे वो वहाँ जात काउंट नहीं करता कि मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बिहार का बेटा हूँ, मैं यूपी का लाडला हूँ, मैं झारखंड का एक सम्मान हूँ, जहाँ जहाँ भोजपुरी बोली जाती है वहाँ लोगों के दिल में गोद में बैठने वाला एक पुत्र हूँ, उसको कैसे गिराओगे जिसको पूरी दुनिया ने अपने गोद में बैठा लिया है? तो मुझे गिराने से अच्छा है कि आप खुद के बारे में सोच लो। और मेरा सिनेमा, मैं अपनी जनता से बस निवेदन करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि कोई आदमी मेरे सिनेमा के बारे में एक मिनट लाइव नहीं आया होगा, और ना ही कोई आएगा। बाकी लोगों का कुछ रिलीज होता है तो सारी पूरी इंडस्ट्री लग जाती है कि भैया ने ऐसा किया, बबुआ ने ऐसा किया, बबनी ने ऐसा किया, आप लोग सपोर्ट करिए, सारे लोग भीड़ जाते हैं कि उसको सपोर्ट करके उसके चीज़ों को चला दे। लेकिन कागज़ के फूल से खुशबू नहीं आती, इनके सपोर्ट करने से आप चीज़ नहीं दिख सकते, सपोर्ट उनका चाहिए जो आपको पैदा किया है, वो हमारी जनता। आपको बढ़ना होगा तो आप जनता के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हो, किसी स्टार के सपोर्ट से नहीं और किसी कलाकार के सपोर्ट से नहीं। जो खुद का अस्तित्व तो पैदा नहीं कर सकता, वो किसी और का क्या करेगा? हम किससे मदद मांगेंगे, किससे मांगो मदद में कि हाँ मेरा सपोर्ट करो? मुझे ज़रूरत नहीं है किसी आर्टिस्ट की कि मुझे सपोर्ट दे दो, फेसबुक पे आके मेरे बारे में बोल दो कि मेरा एक गाना रिलीज़ हो रहा है। सॉरी मत बोलना भाई, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बोलने के लिए मेरी जनता है, मेरी जनता खुद ही इतनी एक्टिव और इतना प्यार दे देती है, अपने आप लोग बोलते हैं कि भैया का गाना आया है, भैया का गाना आया है। मेरे प्यारे जितने भी मेरे भाई, लव यू, दिखा दो इनको भी, बता दो कि 14 तारीख को क्या करना है आप सबको, 14 को इतना हॉल में टिकट ब्लैक तो करा ही दो। इस कोरोना काल में भी मैं चाहता हूँ कि ना कि टिकट ब्लैक करा ही दो, इतना टिकट ब्लैक करा दो ना कि इनकी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मुझे नीचा नहीं गिराना था भाई, इनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था कि एक अच्छा सिनेमा बन गया है, उस सिनेमा को हम बर्बाद कर दें, खेसारी को नीचा दिखा दें, खेसारी को लोगों की नज़र में गिरा दें, तो शायद सिनेमा भी नहीं चलेगा। लेकिन ये भोजपुरी की सम्मान की अब बात आ गई है, एक अच्छा सिनेमा है, देखिएगा तो कहिएगा, अगर बुरा लगेगा ना तो आप भर मतलब मुझे जितना आप गाली दे सकते हैं, जितना बोल सकते हैं बोलिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सिनेमा बन गई है और उसी को ख़त्म करने की ये साजिश चल रही है, और ये कुछ लोगों की साजिश है। आप समझ सकते हैं कि कितने कितने लोग होंगे, लोगों को तो पता चले गया होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो इतने समझदार हैं कि वोट सत्ता ही समझ में आ जाता है कि बेटा मामा कहेगा, लड़का मामा कहने वाला है, आजकल के लोग समझदार ही हैं,
हर आदमी पढ़े लिखे लोग हैं। राजा राजेश तिवारी गोड़ लगत नहीं बाबा, आप लोग सम्मानित लोग हैं, बस काम पे फोकस कर लीजिए। हमारे हम पे फोकस करने से कुछ होने वाला नहीं है। जीवन में कुछ करना है तो खुद पर फोकस करिए, और मेरे सिनेमा को आप क्या बर्बाद करोगे। बड़े शिद्दत से काम करता हूँ यार, लंदन में ठंडी में मरमर के मैंने उस सिनेमा को किया, रजनीश मिश्रा ने, अभय भैया ने, निशांत उज्जवल ने, सारे लोग, शमीर आफ्ताब ने, सब ने इतनी मेहनत की यार। वासुदा हमारे कैमरामैन, सब ने हमारे हीरोइन, जितनी दोनों हीरोइनों ने जम के मेहनत की, सब ने मेहनत की, अपना 110% सब ने दिया। और एक इतनी अच्छी खूबसूरत सिनेमा बनी है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी के लिए एक संजीवनी बनी है वो। और उस सिनेमा को बर्बाद करने के लिए आप मुझे नीचा दिखा रहे, ताकि खेसारी के हम नीचा दिखा देंगे तो शायद दुनिया सिनेमा को इनिशियल नहीं देगी। अब मैं आज युवा दिवस पे मैं अपने युवाओं से कुछ मांगना चाहता हूँ। ये तकलीफ में मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, मैं आता लाइव बड़े हंस के आता हूँ मैं, आप लोग भी जानते हैं कि मेरे जीवन में मस्ती ही सब कुछ है, खूब करता हूँ मस्ती। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितने लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, किसी आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कलाकार मेरे लिए कभी वीडियो नहीं बनाया। हाँ, कुछ जो मेरे भाई जो मुझे प्यार करते हैं बेचारे मेरे बारे में बोलते हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ क्योंकि मेरे प्यारे भाई हैं, और वो लोग बोलते हैं मेरे बारे में तो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि बुरा लगता है, क्योंकि वो मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है, वो एक लगाव है, वो भी मुझे, जो मुझसे मिला है वो मुझे जानता है, जो मुझसे नहीं मिला है वो मुझे क्या जानेगा। और मैं अपने जनता से रूबरू मिलता हूँ, उसका रीज़न है, स्टेडम दिमाग में नहीं, पर्दे पे है, मोहब्बत पर्दे पे नहीं, वो इनके बीच में है। पर्दे पे आप मोहब्बत देखते हो स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है, लेकिन मैं रियल में अगर मोहब्बत किसी से करता हूँ तो वो आप सब जनता और मेरी, वो आप मंदिर ही नहीं, मेरे लिए मस्जिद भी है, मेरे गुरुद्वारा भी हैं, हर वो तीर्थ धाम है जिस धाम पे पूरी दुनिया जाती है, और पूरी दुनिया मैं हूँ आपका, जो मैं हर तीर्थ पे जाने की कोशिश करता हूँ, हर उस धाम को अपना बनाने की कोशिश करता हूँ, मेहनत। तो आज स्वामी विवेकानंद के विचारधारा के साथ ही चलता हूँ मैं, जीरो से हीरो बनाऊँ ना यार, गरीबी मैंने देखी है, मत खींचो टांग मेरी, मत बदनाम करने की कोशिश करो, ठीक है। और जहाँ तक सिनेमा दुल्हन वही जो पिया मन भावे, अभय भैया के बैनर की सिनेमा यसी फिल्म की है, खेसारी लाल यादव उसमें एक्टर हैं, रजनीश मिश्रा डायरेक्टर हैं, और निशांत उज्जवल हमारे भाई है जो कि उस सिनेमा को डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और बिहार में नहीं पूरी इंडिया में रिलीज हो रही है। तो मैं पूरी जहाँ जहाँ भी भोजपुरी समाज के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, कल बता दो यार, प्लीज़ बता दो, कल ऐसा कुछ कर डालो कि इनको समझ में आए कि जाको राखे साया मार सके ना को, और मेरे साया आप सब हैं, और इनको बताओ जी हाँ खेसारी आपके आपसे कितना प्यार करता है और आपके दिल में क्या है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, दुल्हन वही जो पिया मन भावे, लव यू, थैंक्स, बाय बाय, सब लोग खुश रहें, नए साल की ढेर सारी शुभकामना। 14 को बताइए कि आप मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, बस ब्लैक टिकट होना चाहिए। लव यू ऑल, टूट पड़ो अपने प्यारे बेटा के लिए, अपने भाई के लिए, लव यू।